राजस्थान के भरतपुर की खो थाना पुलिस के कांस्टेबल नीरज की सतर्कता पहल की वजह से भरतपुर व अलवर पुलिस के 8,000 रुपए के इनामी बदमाश साकिर पुत्र अकबर मेव निवासी गदड़वास थाना खो को एक अवैध कट्टा 315 बोर में दो जिंदा कारतूस के साथ गदड़वास पहाड़ से गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राज्यीय भैंस चोर, वाहन चोर, लूट, डकैती करने वाली गैंग का सक्रिय सदस्य है साकिर। उसका गैंग अवैध हथियारों के बल पर करती है चोरी, लूट व डकैती। बदमाश शाकिर है अव्वल दर्जे का भैंस चोर। गैंग के साथ मिलकर अब तक करीब 70-80 भैंस कर चुका है चोरी। डीग थाना से वर्ष 2014 से लूट तथा अलवर जिले से बड़ौदा मेव थाना से वर्ष 2019 से डकैती के प्रकरण में है फरार। लगभग पिछले 7-8 साल से चोरी, लूट, डकैती में है सक्रिय। थाना अधिकारी खो हरिमन मीना के साथ पुलिस टीम में QRT के हेड कांस्टेबल गंगाधर, मैं जापता कांस्टेबल तारा सिंह, रामवीर, राजीव, प्रभु सिंह, दीपक तथा हरवीर चालक की भूमिका रही सराहनीय। डीग थाना से वर्ष 2014 से लूट तथा अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना से वर्ष 2019 से डकैती के प्रकरण में है फरार। लगभग पिछले 7-8 साल से चोरी, लूट, डकैती में है सक्रिय। श्रीमान आजी साहब भरतपुर रेंज भरतपुर और श्रीमान SP साहब भरतपुर के आदेशानुसार बदमाशों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान एडी साहब डी एवं श्रीमान CO साहब डी के निर्देशन में आज थाना खो पुलिस ने 8,000 के नामी बदमाश साकिर मेव को गिरफ्तार किया है, जो कि अंतर्राज्यीय स्तर का वाहन चोर और पशु चोरी और लूट डकैती के मामलों में वांछित है, जिस पर अलवर के थाना बड़ौदा में से 5,000 का इनाम है। थाना डीक से डकैती के मामले में 3,000 का इनाम है, जो कि हमारे थाना खो के पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में वांछित है, पशु चोरी के मामले में वांछित है, जिसको आज कांस्टेबल नीरज एवं थाना खो की टीम के द्वारा QRT टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुलजिम साकिब को एक अवैध हथियार के साथ में और दो कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में थाना आजापुर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, अनुसंधान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।